हर साल 20 मार्च का दिन दुनिया भर में गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और दुनिया भर में गौरैया पक्षी की संख्या में लगातार कमी आ रही है। गौरैया को संरक्षण दे रहे राजधानी लखनऊ के चांद कुरैशी, जो कि पिछले कई सालों से गौरैया को संरक्षण दे रहे हैं और यहां तक अपने घर को गौरैया का घोंसला भी बना रखा है। देखिए हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम की चांद कुरैशी की ये खास रिपोर्ट। विश्व गौरैया दिवस है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे, ऐसे घर को दिखाएंगे जहां पर हजारों की तादाद में गौरैया, इनको शौक है गौरैयों का और गौरैयों का ये पालन पोषण, उनके खाने की व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ तक कि जो घर इनका है, आप देखिए अपने घर को भी इस तरह से डिजाइन किया है कि गौरैयों का घोंसला आराम से बना सकें, इस पे बैठ सकें। गौरैया आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर गौरैया जो है बैठी हुई है, हजारों की संख्या में यहाँ पर गौरैया है। और क्यों इनको ऐसा शौक पैदा हुआ और क्या कुछ कहना है हमारे साथ बात करने के लिए खुद चांद कुरैशी यहाँ के ऊपर है, हम उनसे बात करते हैं। चांद साहब, आज गौरैया दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए गौरैया दिवस, जब हम लोग बचपने में थे तो हमको गौरैयों का बड़ा शौक था, तो धीरे धीरे करके विलुप्त हुई जा रही थी ये प्रजाति, कुछ जो है ना शहर के अंदर थी नहीं। तो फिर जब मैंने अपना मकान बनाया तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों मकान तो सभी अपने रहने के लिए बनाते हैं, हम अपना ऐसा मकान बनाए जिसमें परिंदे भी हमारे गौरैया और तमाम परिंदे जो भी हों वो आ करके जो है ना रह सके। तो वो नक्शे को डिजाइन में रखते हुए मैंने ये आर्टिफिशियल पेड़ वगैरह बनाए, इसके अंदर जो है बाकायदा सुराख है, तो वो अपना घर वगैरह सब बना करके हम करीबन 12-13 सालों से इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे गौरैया की तादाद हजारों के, दसियों हजारों के तादाद में है। कि ये थे चांद कुरैशी जिन्होंने गौरैया का आज से नहीं कई सालों से जो है यहाँ के ऊपर गौरैयों की सेवा कर रहे हैं। और इनका कहना भी यही है कि आम लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि घरों में पानी की व्यवस्था और दानों की व्यवस्था करें जिससे जो जानवर हैं उनको भी कहीं ना कहीं सुकून मिले और उनकी भी दुआएं आप लोगों को लगें। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज।